जी राम राम जी। कौशिक ब्लॉग देखने वाले सारे बहन भाइयों को और लोग एंड लुभाइयों को, सभी को मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज आप आ रहे हैं भद्रगढ़। भद्रगढ़ में यहाँ की बहुत प्रसिद्ध दुकान है, बहुत फेमस, बिल्लू पकौड़े वाला। आपने भी सबने नाम सुन रखा होगा ऑब्वियसली। तो आज मार हमने भाई की गेल, तुषार की गेल। तो अब चलते हैं, इन भाई से बात करते हैं कि क्यों खड़े हैं यहाँ। अभी लाइव चल रहे हैं पकौड़े, ठीक है। अभी बात करते हैं इनसे और आपको हम बताते हैं कि इनके पास क्या क्या है, कौन सी वैरायटी है, क्या रेट सिस्टम है, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो चलो आप सीधा बात करते हैं भाई से। भाई आप देख रहे हो, ओनर से बात करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बट भीड़ देखो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से आपको भीड़ देख के देखो, ताऊ सारे ताऊ ताई सब आ रहे हैं, इतनी बड़ी अच्छा भीड़ हो रही है। अब वेट करते हैं, जब जैसे खाली होगा सीधा भाई से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाऊंगे अड़े की जो प्रसिद्ध चीज़ है, स्वाद लेंगे उस चीज़ का, फिर आपको बताऊंगे कैसा स्वाद है। फिर आप भी जरूर आना, भद्रगढ़ मेट्रो स्टेशन तो उतरते हैं, बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत फेमस है। किसी से आप पूछ लियो। भाई साहब आपने भी खाए होंगे पहले भी? हाँ भाई। कैसा टेस्ट है? कभी बढ़िया दिल खुश करने वाला, ठीक है। कोई काली तो नहीं है ना? काली क्या है भाई, कभी इतनी दूर तक कोई आवे खाना फिर भी क्या भाई। भाई भाई ने बता दी, हम भी टेस्ट करके आपको बताऊंगे, टेंशन मत लो। इफ करते हैं एक बार, पाँच मिनट रुक जाओ, खाली होते हुए भाई से बात करेंगे। तो अब टाइम मिल गया भाई से बात करने का। क्या नाम है भाई आपका? भाई का नाम अमित दुआ। तो अमित भाई कितने सालों से आपकी दुकान चल रही है? अरे भाई ठीक है भाई, ओके। तो आप पकौड़े स्टार्टिंग से पकौड़े और आइटम ऐड करें या फिर पहले से जो आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था वही है? अच्छा, अरे वाह, मतलब इम्प्रूव हुआ है, मतलब 7 से 25 आइटम्स। अब 25 आइटम्स का एक बार जल्दी 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 एक बार फटाफट नाम बता दो भाई। आलू गोभी पालक प्याज पनीर सोयाबीन चाप करेला आलू मटर सीख गोभी। सुन लिया भाई, किसी ने नहीं सुनी हो तो फिर तभी जब खाऊंगा जब बता दूंगा। 25 आइटम के नाम बता दिए, मेरा याद भी नहीं, स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न पता नहीं क्या क्या बता दिए। तो भाई अब हमारे लिए, और भाई रेट और बता दो आपका क्या हिसाब है? अच्छा, सारे आइटम मिला के 25 डिश आप लेते हो तो 320 रुपये प्लेट। 320 रुपये पर के जी। एक किलो में तो बहुत सारे, चार पांच बंदे आराम से खा लेंगे, मतलब अच्छा 6-7 बंदे आराम से आप खा सकते हो सिर्फ 320 रुपये में। और आपको वैरायटी देखो, आपको 25 वैरायटी मिल रही है। पीछे देखो तुषार भाई, रेडी हो ना? बिल्कुल सिस्टम पढ़ रहा है। चलो ठीक है भाई, हम सीधा ऑर्डर करते हैं। अभी हमें यहाँ पे पहले से जो कस्टमर आ रखे हैं, कस्टमर के रिव्यू सुनते हैं। आपने खाए हैं यहाँ के पहले पकौड़े? हाँ जी, बहुत ही मशहूर है पकौड़े। अच्छा, कोई सही पकौड़े लो, चाप ले लो या कोई दूसरा पकौड़े ले लो। आपने सारी वैरायटी टेस्ट करी आपने? हाँ जी, बिल्कुल दिल खुश। चलो अच्छा अच्छा, चलो तो हमने अपने ऑर्डर कर दिया है और अब स्टार्ट हो गया है फ्राई। ये देखो आप पीछे भीड़ देखो, यहाँ पे भीड़ तो टूटती नहीं है, मतलब इस दुकान से भाई के भी पूरे दिन रश रहता है। ये डाल दिया अंकल जी ने मसाला और ये मिक्स करके ये पॉलिथीन में पैक। ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमारा ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है। सारी डिश ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। तो भैया हमारा ऑर्डर हो गया, इसमें पूरी 25 वैरायटी हैं, गिन के 25 ले लिया हमने गर्मा गर्म। अब चलते हैं सीधा अंदर, टेस्ट करते हैं। हमें बाहर बहुत भीड़ है, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। पच्चीस वैरायटी देखते हैं हमारे से खाई जाएंगी भी या फिर नहीं खाई जाएंगी। तो चलो भाई टेस्ट करते हैं 25 वैरायटी बिल्ली समोसे वाले की। ये सबसे पहले हम चाप टेस्ट कर रहे हैं। मेरी फेवरेट है, मेरी चाप मेरी बहुत फेवरेट है। भाई संदेह भाई साहब की भाई टेस्ट करें, आप कौन सा टेस्ट करा भाई?
भाई ने आलू का पकौड़ा टेस्ट किया, भाई को बहुत पसंद आ गया। बने ये बहुत ज़्यादा चॉइस वाले हैं, बहुत कम चीज़ें खाते हैं। चलो इसका मतलब अब ये सेकंड है, पालक का पकौड़ा टेस्ट करते हैं। आप मिर्ची बहुत जरूरी है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मिर्च ले भैया दियो। भाई गजब बहुत मस्त, ये हमारा 50-60 का बड़ा आइटम है। और भैया दूधी भी सादा टेस्ट करती है, कौन सा है दूधी खाली हुई तो हमारे सादा डूबे हैं। हमारे से एक प्लेट गर्म भी हो रही, इसके बाद एक और प्लेट है यार, देखते हैं कैसे मैंने होगा। ये पनीर का पकौड़ा है, आप ये सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप हरियाणा साइड में आते हो या NCR में आते हो तो जो पनीर की जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पे आपको प्योर मिलेगी। दिल्ली में यहाँ पर बाहर क्या होता है पता नहीं, मतलब मैं बाहर कभी पनीर ट्राई नहीं करता, यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं यहीं पर पनीर खा रहा हूँ, वरना मैं कभी बाहर की पनीर डिश नहीं खाता मैं, क्योंकि मेरे को हजम नहीं होती, मेरे को अच्छी नहीं होती, रबड़ जैसा होता है। खत्म करो ब्रदर जल्दी, तो हम धीरे धीरे आप सारे पकौड़े टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमने आपको काफ़ी सारा सामान भी करें, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे। सो फाइनली हमने दो प्लेट पकौड़े भी खा लिए और हमारी लास्ट प्लेट बची है, साथ में हमने लिए लस्सी ये पीछे से ये देख रहे हो, दही में मलाई मलाई देखो मलाई, ये नहीं मिलेगी आपको दिल्ली में। अल्टीमेट लस्सी में भी लटक गई, पकौड़ा में भी गजब। तो भाई हमने अपने पकौड़े निपटा दिए हैं, ये लस्सी की बारी थी, कैसी लगी भाई लस्सी? बहुत टेस्टी है, आपकी जमा स्वाद आ गए। पीछे भाई लस्सी वाला स्पेशल काउंटर, स्पेशल लस्सी है भाई की, और ये पीछे यही पकौड़े वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं और यहाँ से जल्दी और आपसे एक बार फिर से भाई से बात कराएंगे, ओके। सो हमने अपने पकोड़े खा लिए हैं, यहाँ की एक और सबसे अच्छी चीज़ लगी, आप यहाँ से ऑर्डर करो, अपने पकोड़े सेलेक्ट करो, काउंटर पे ऑर्डर करो, और यहाँ पे अंदर बैठ के खाने की जगह है, यहाँ पे टेबल्स रख रखी हैं, पंखा चल रहा है आराम से, और यहाँ पे बैठ के खाओ। आप पहले भाई से बात करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, आपको रिव्यूज़ मैं सच बताऊँ दिल से तो बहुत बढ़िया, मतलब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की मेरे को ये लगी कि बिल्कुल देसी, मतलब अपना देसी ठाट हो गया बिल्कुल, मतलब साथ में लस्सी हो गई, पकौड़े हो गए, पता नहीं कितनी सारी अटरम शटरम, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज थी, जैसे कि सोया चाप मैंने ट्राई करा, मैंने अपना ये कॉर्न ट्राई करा, और बहुत सारे पनीर बैंगन वैंगन, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो हम चलते हैं भाई से बात करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो भाई फुर्सत में है, भाई से बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप एक बार लोकेशन बता दो, अगर हम आपके पास आएँ तो कैसे आएँ? हमारी लोकेशन सर बाद में बस स्टैंड है, उससे क्रॉस करके आगे 882 पिलर नंबर है, 842 पिलर ना, ये पीछे मेट्रो लाइन है ये, ओके। और भाई मतलब आपने पकोड़े, आपने कुछ और काम क्या नहीं करा, आपने ही बताओ? मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, उसके बाद 1971 में मेरे फादर ने स्टार्ट किया, और 2006 में सर मेरे भाई ने सर मार्केट में ये क्या है कि हम एक अपने स्टाइल में जो हमारे दादाजी के टाइम पर लगी चाहते थे मार्केट। कितनी बढ़िया बात बोली आपने, बात सुनी भाई की? आपने बात सुनी ली है भाई की, इंडियन फूड को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है, नॉनवेज नहीं खाना, अपना प्योर फूड खाओ देसी फूड, और साथ में सबसे बढ़िया एक पीछे भाई ने अपनी लस्सी का भी, कोल्ड ड्रिंक को भी सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, सीधा लस्सी है भाई, बिल्कुल देसी है अपनी। तो भाई एक बार अपना नंबर बता दो। 760-760-888-3। और आप इंस्टा अकाउंट भी होगा आपका? यस सर, इंस्टा अकाउंट है सर @binus995 से, आप फॉलो करो सर, मैं कैप्शन में डाल दूंगा मैं नीचे बायो में, तो आप भाई का इंस्टा अकाउंट भी फॉलो करना है, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे आओ, अगर आपने ये चीज़ नहीं चखी ना, और अगर आप भादुरगढ़ आए और आप ये नहीं चखे गए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भादुरगढ़ भी फालतू में आप जाम में अटके गए, तो जरूर आए। बिल्लू भाई से बहुत अच्छा नेचर, भाई से बात करी बिल्लू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब जिस नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा बिल्लू भाई के पास पक्का आऊँगा। अमित भाई नाम है, भाई का नाम अमित है,
ठीक है, चलो ठीक है भाई, राम राम भाई सभी को, जितनों ने भी देखा है, सभी ने, बहन भाइयों ने, लोग भाइयों ने, सभी को रिक्वेस्ट है कि बिल्लू भाई के पास आएँ और सब और पकौड़े खाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ऐसे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तुषार भाई आएंगी ना बढ़िया बढ़िया वीडियो, धमाकेदार वीडियो आएंगी ना, पहले तो बता दो। धमाकेदार ऐसे चैनल पर बुलाती रहेंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। लव यू सो मच। तो सभी भाइयों को राम राम, आज का अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।